या आपके फेस पे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा लूज हो चुकी है, या फिर आप कोई भी मेकअप अप्लाई करते हो उसके बाद आपका मेकअप काला पड़ जाता है, या फिर आपके मेकअप बहुत ज्यादा केकी लगने लग जाता है हमेशा मेकअप अप्लाई करने के बाद, कोई भी कितना भी बेस्ट फाउंडेशन यूज कर लो, अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल भी फ्लॉलेस नहीं दिख सकती मेकअप के साथ में। तो जरूरी होता है कि आपको स्किन केयर जो है बहुत अच्छे से फॉलो करना होता है अपने स्किन केयर रूटीन में, अपने डेली लाइफ में। और हाँ, स्किन केयर अगर आप फॉलो करोगे तो उसमें टोनर अप्लाई ना करो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको टोनर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है, जैसे कि मैं सनस्क्रीन के लिए ऑलवेज बोलती हूँ, तो टोनर आपको ऑलवेज अप्लाई करना होता है अपने स्किन केयर में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ विटामिन सी टोनर, जो कि आप घर पर ही बना सकते हो। लाइक जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है विटामिन सी टोनर मामा अर्थ का, सेम एज इट इज आप घर पर बना सकते हो, 100% इफेक्टिव होगा गाइस अगर आप उसको रेगुलर यूज करते हो। तो आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं, तो वीडियो को आपको देखना है एंड तक। सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्टाइल विद साइबा। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे अपने घर में। तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो कि मैंने विटामिन सी टोनर DIY अपने घर पर ही कैसे बनाया, और बहुत कम पैसों में आपके जो विटामिन सी टोनर है वो बनके रेडी हो जाएगा। हाँ जी गाइज, तो यहाँ पे जो आपने देखा होगा कि विटामिन सी टोनर जो है मामा अर्थ का, उसमें जो है वो पोर टाइटनिंग के लिए है, तो उसमें कुकुम्बर का यूज़ बहुत हुआ है, एक तरीके से वो कुकुम्बर टोनर ही है। तो यहाँ पे आपको एक कुकुम्बर ले लेना है, उसको आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इस तरीके से कट कर लेना है। कट करने के बाद हम इसका जो है टोनर बनाना है, तो हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सर में, और कुछ इस तरीके से आपको इसको ग्राइंड कर लेना है, और काफ़ी अच्छे से बन जाएगा आपका ये जो पेस्ट एक तरीके का होता है। उसके बाद इस पेस्ट को आपको क्या करना है कि आपको इसको स्ट्रेन करना है एक छन्नी की हेल्प से, और ये इजीली स्ट्रेन भी हो जाएगा ताकि ये टोनर की कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब आप मुझसे पूछोगे कि हमने कुकुम्बर का यूज़ क्यों किया है, वो हमारी स्किन के लिए क्या वर्क करेगा। कुकुम्बर एक वाटर कंटेंट होता है जो कि आपके फेस को हाइड्रेट करने में हेल्प करता है, साथ में उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, आपके हाइड्रेट तो करता ही आपकी स्किन को, साथ में आपके जो भी पोर्स होते हैं ओपन पोर्स होते हैं उनको टाइटन करने में हेल्प करता है, और आपको ग्लोइंग स्किन भी आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये पूरा स्ट्रेन करने के बाद कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी में ये आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और कुकुम्बर काफ़ी अच्छा होता है हमारे फेस के लिए, तो आपको ज़रूर से ये टोनर एक बार तो अप्लाई करना ही है दिन में, ये तो आपको दो बार तो यूज़ करना ही होगा अच्छे रिजल्ट्स के लिए। उसके बाद यहाँ पे है विटामिन सी टोनर, मेन रोल जो है इसमें विटामिन सी का ही है। तो यहाँ पे विटामिन सी के लिए जो हमने लिया है वो है लेमन। लेमन में आपकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, साथ में उसमें विटामिन सी भी होता है जो कि आपके लार्ज पोर्स हैं उनको रिड्यूस करेगा, साथ में आपकी स्किन को भी नरिश करेगा, और आपकी जो भी फाइन लाइन्स होंगी उसको भी ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे पूरा ही आधा नींबू हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे गाइस हमने एलोवेरा का यूज़ किया है, उसमें भी आपका सेम जो मामाअर्थ का टोनर है उसमें भी एलोवेरा का यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल, जो कि नो पैराबिन, नो अल्कोहल और आपका पैराबिन सिलिकॉन फ्री होता है। काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं गुड वाइब्स के, आपको ज़रूर से ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हाफ टेबल स्पून जो है एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल क्यों लिया है, क्योंकि ये एंजाइम से भरपूर होता है, इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है जो कि आपके फेस पे जो pH लेवल होता है फेस का उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो ले रहे हैं उसमें ऐड करने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं रोज़ वाटर। आप कोई सा भी रोज़ वाटर इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक टोनर की कंसिस्टेंसी हमें इसमें चाहिए। तो आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जो भी हमने इसका जो टोनर है वो बनके रेडी हो गया है हमारा। लेकिन अभी यहीं पर काम नहीं ख़त्म होता है गाइज, आपको इसमें अभी और भी चीज़ें करनी है आगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको एक और बाउल लेना है, उसके बाद उसमें छन्नी की हेल्प से इसको एक और बार स्ट्रेन करेंगे। वो इसलिए क्योंकि टोनर की कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल वाटर टाइप में ही, बिल्कुल भी हार्श एजेस या हार्श कुछ भी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए हमारे टोनर में, और ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा गाइस। आप इसको ईजिली स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, आराम से 10 या 15 दिन अच्छे से आपका जो है टोनर चल जाएगा। आपको बिल्कुल भर भर के टोनर नहीं बना लेना है, दोबारा भी आप बना सकते हो इसको, बट ये आपका होम रेमेडी है, DIY है, तो आपका जो है अच्छा रिजल्ट देगा और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स भी इसके होंगे। तो यहाँ पे हमने जो कि हमारा टोनर जो है विटामिन सी टोनर जो है रेडी हो गया है बनके, प्लस उसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गुड वाइब्स का रोज़ वाटर, जो कि अच्छा इसको एक टोनर की हेल्प देगा और साथ में थोड़ी फ्रेग्रेंस भी आपको ये देगा। हाँ जी, यहाँ पे जो हमारा जो है टोनर बनके रेडी हो गया, और मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि हमने इसमें विटामिन सी, कुकुम्बर, एलोवेरा, रोज़ वाटर क्यों ऐड किया है, क्या रीज़न है उनके ऐड करने का, साथ में घर का बना हुआ है तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। आपके जो भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है ना वो सारी इसको यूज़ करने से दूर हो जाएगी, बट रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। और हाँ, इसका जो रिज़ल्ट है आप खुद ही देख सकते हो कि किस तरीके का आपके फेस के ऊपर ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। नाउ अब इसको हमने थोड़ा सा सुंदर बना दिया था इसके ऊपर थोड़ा कारीगरी करके, आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। ऑलराइट गाइज, आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा DIY विटामिन सी टोनर कैसा लगा है, और आपको रेगुलर इसको यूज करना है इसको बनाने के बाद, ऐसा ही नहीं बनाने के बाद ऐसे रख लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, स्टाइल विद साइबा वो बिल्कुल फ्री है गाइज। और हाँ, आप देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हो अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।